ज्ञान एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है और ज्ञान के कारण ही मनुष्य सही और गलत में अंतर समझ पाता और उन्नति कर पाता है। जिस तरह से समय बदल रहा है उसी तरह से हम सभी को कुछ न कुछ नया सीखने की अत्यंत आवश्यकता है और कंप्यूटर उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। इसी अवधारणा के साथ श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान इंदौर द्वारा ज्ञान रथ का निर्माण किया गया है ताकि ग्रामवासी कंप्यूटर सीखकर अपने जीवन को उन्नत कर सके। ज्ञान रथ मुख्य रूप से जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है वे हैं, पहला, गांव के प्रतिभावान बच्चों को कंप्यूटर साक्षरता देना और भविष्य की शिक्षा के लिए तैयार करना। दूसरा, गांव वासियों को बेसिक शिक्षा प्रदान करना। तीसरा, सरकार द्वारा गांव के लिए चलाई गई विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के बारे में अवगत करना। चौथा, विख्यात समाजविदों, शिक्षाविदों, स्वास्थ्यविदों, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामवासियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। पांचवा, गांव एवं गांव वासियों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अभियानों का आयोजन करना। इस बस में सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। ज्ञान रथ 15 कंप्यूटर, टच स्क्रीन बोर्ड, स्मार्ट टीवी, साउंड सिस्टम, वाईफाई और सीसीटीवी कैमरा से सुसज्जित है एवं इंदौर जिले के सभी गांवों के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। ज्ञान रथ श्री वैष्णव समूह के अध्यक्ष आदरणीय श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी की दूरदृष्टि का मूर्त रूप है। श्री वैष्णव समूह ट्रस्ट समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति पूर्ण करता आ रहा है। श्री वैष्णव समूह 138 सालों से समाज के उत्थान के लिए लगातार कार्यरत है एवं इसी कड़ी में 4 न्यासों का गठन किया गया है। पहला, सन 1940 में श्री वैष्णव सहायक ट्रस्ट। दूसरा, सन 1970 में श्री वैष्णव चैरिटी ट्रस्ट। तीसरा, सन 1981 में श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास। चौथा, सन 2002 में श्री वैष्णव विद्यापीठ ट्रस्ट। इन सभी ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र विभाजित है परंतु इन सभी का कार्य हर तरह से हर स्तर पर लोगों की मदद करना है और समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करना है। विगत वर्षों में श्री वैष्णव समूह ने अनगिनत सामाजिक कार्य किए हैं जिनमें 4 विद्यालयों के साथ साथ वाणिज्य संस्थान, प्रबंध संस्थान, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, विधि संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालयीन कन्या एवं बालक छात्रावास एवं श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालयों जैसे कई बड़े संस्थान की स्थापना की गई। इसके साथ ही असहाय परिवारों को अन्न, वस्त्र और आर्थिक सहायता प्रदान करना, औषधालय, किडनी डायग्नोसिस सेंटर, अन्य क्षेत्र, मुक्तिधाम, विश्राम गृह इत्यादि कई उपक्रम इस समूह द्वारा निर्बाधित और निरंतर चलाए जा रहे हैं। समूह के अथक प्रयत्नों से समाज में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आया है। वैष्णव साई कपड़ा मार्केट कमेटी की स्थापना 138 वर्ष पूर्व 1884 में हुई थी। कमेटी की स्थापना का उद्देश्य नर सेवा से नारायण सेवा करना था। कमेटी का प्रारंभिक उद्देश्य था साधु संतों की सेवा करना, पशु पक्षियों को चारा दाना पानी की व्यवस्था करना, निसाय असहाय लोगों के जीवन यापन के लिए सहयोग करना, सहायता करना। टेक्सटाइल इंदौर में टेक्सटाइल मिलों की स्थापना 1910 से 1920 के बीच हुई। उस वक्त के हमारे पूर्वजों ने टेक्सटाइल मिल मालिकों से एक समझौता किया और स्वयं के ऊपर अपने व्यापार पर टैक्स लगाकर कमेटी के आय बढ़ाने का एक उपाय सोचा और उससे कमेटी के आय में वृद्धि होने लगी। उसके फलस्वरूप कार्य बढ़ता। 1951 से शैक्षणिक कार्य के अंदर वैष्णव कमेटी ने कार्य करना प्रारंभ किया और आज वैष्णव कमेटी के 4 स्कूल, 5 महाविद्यालय के बाद 2015 से वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय कार्यरत है। वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा जो कंप्यूटर का ये रथ बनाया गया है, यह सोच के बनाया गया है कि गांवों में कंप्यूटर शिक्षा का
प्रचार प्रसार हो और इससे लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो, यह विचार आने पर ही इस कंप्यूटर के रथ का निर्माण किया गया। इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, इसी में पूर्ण उम्मीद करता हूँ। समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास द्वारा श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान की स्थापना सन 1987 में की गई। यह संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण प्रदेश में विशेष स्थान रखता है। पिछले 35 वर्षों से संस्थान निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। संस्थान को CMAI एशिया द्वारा मध्य प्रदेश के द ओल्डेस्ट सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ MP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्थान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर एवं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध है। संस्थान को UGC NAAC द्वारा सतत दो चक्रों में क्रमशः 2012 एवं 2017 में ए श्रेणी में प्रत्यायित किया गया है, जो कि संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा देने के प्रति समर्पण को दर्शाता है। संस्थान द्वारा शासकीय छात्रवृत्ति के अतिरिक्त मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है एवं विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कैंपस ड्राइव आयोजित की जाती है। इस कड़ी में संस्थान द्वारा छात्रों को मात्र रोजगार ही नहीं अपितु उद्यमी बनने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। संस्थान ने न केवल शिक्षा बल्कि खेल कूद पर भी ध्यान दिया है। संस्थान में इंडोर एवं आउटडोर खेलों के लिए खेल संकुल एवं मैदान उपलब्ध हैं, जिसमें मुख्य रूप से बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पिकल बॉल, ताइक्वांडो, जिम्नेशियम के साथ ही क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी इत्यादि खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नमस्कार, श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान का उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन के मार्फत देश के विकास में सहयोग प्रदान करना है। विद्यार्थियों को आधुनिकतम साधनों से शिक्षा प्रदान करके ही यह उद्देश्य सफल हो सकेगा। ज्ञान रथ का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में विद्यार्थी शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरा हो सके एवं देश में जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण हो सके। धन्यवाद। श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है। संस्थान हमेशा ही मूल्य आधारित शिक्षा की अवधारणा पर कार्य करता आया है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के अंतर्गत कई संस्थागत सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से की जाती है, जिसमें विद्यार्थी भाग लेकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत रक्तदान शिविर, यातायात जागरूकता कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धाश्रम एवं अनाथ आश्रम का मुआवना, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को दान करना, नुक्कड़ नाटक द्वारा विभिन्न विषयों पर जागरूकता फैलाना, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम इत्यादि शामिल है। ज्ञानरथ संस्थान का एक स्वप्न था, जिसके द्वारा शिक्षा का बृहद प्रचार प्रसार उन क्षेत्रों में हो जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता ना हो एवं शिक्षा का सरल सुगम बनाया जा सके। वैष्णव ट्रस्ट पूरे समाज के लिए शुरू से ही स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए संकल्पित है। आज इंदौरी नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वैष्णव ट्रस्ट ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है और हमेशा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए प्रयत्नशील रही। इसी संदर्भ में श्री वैष्णव मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज द्वारा यह ज्ञान रथ का जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके पीछे प्रमुख उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे गाँव में हमारा यह ज्ञान रथ प्रवास करेगा और उन ग्रामीण बालकों को एवं किसानों को यह ज्ञान रथ के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा वे ले पाएंगे, जिससे देश के अंदर जो अभी हाल प्रगति हो रही है और जितनी भी उनको सूचनाएं खेती के बारे में या गांव के विकास के बारे में या प्रधानमंत्री द्वारा
जो एक नया संकल्प गांव के लिए उन्होंने लिया है, उसके लिए यह ज्ञान रथ बहुत ही ज़्यादा उस कार्य के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा, प्राचार्य द्वारा और डायरेक्टर द्वारा यह जो कार्य किया गया, यह कार्य में हम 100% सफल होंगे और हमारा यह ज्ञान रथ उन ग्रामीण किसानों को, ग्रामीण विद्यार्थियों को, ग्रामीण बालिकाओं को और छात्रों को यह एक अनुकरणीय कार्य करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वैष्णो ट्रस्ट के श्री वैष्णो मैनेजमेंट कॉलेज की ओर से उन्हें बधाई देता हूँ। श्री वैष्णो प्रबंध संस्थान श्री वैष्णो शैक्षणिक एवं परमार्थिक न्यास द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थान है। संस्थान मध्य प्रदेश में प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा देने वाला पहला निजी शिक्षण संस्थान है। न्यास की दूरदर्शिता तथा समाज सेवा की निष्ठा को आदर्श मानकर संस्थान भी उसी पद पर अपनी सेवाएं देने हेतु अग्रसर है। ज्ञान रथ उसी अवधारणा को साकार करते हुए संस्थान की एक सार्थक पहल है, जिसके द्वारा समाज में शिक्षा के लिए आतुर परंतु स्रोतों से वंचित आकांक्षियों के तक पहुंचा जा सके एवं उनके लिए शिक्षा को सहज सुलभ बनाया जा सके। वर्तमान में तकनीकी शिक्षा के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि आज का बालक तथा युवा तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर अन्य ज्ञान हस्तगत करे। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ज्ञान रथ एक मोबाइल बस है जिसमें कंप्यूटर लगे हुए हैं। यह बस गांव-गांव में जाकर विद्यार्थियों रोडों को कंप्यूटर साक्षरता से अवगत कराएगी, ताकि वे लोग भी आज की तकनीकी प्रक्रियाओं के माध्यम से कई नई विधाओं को सीख सकेंगे तथा कई सुविधाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। ज्ञान रथ का मुख्य उद्देश्य उन्नत भारत योजना के अंतर्गत गांवों में 100% कंप्यूटर साक्षरता लाना है। संस्थान द्वारा यह ज्ञान रथ शिक्षा, समाज और देश को समर्पित करना है।